नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी का नज़ारा है और झांसी में आप जो सड़क देख रहे हैं सामने, एक केकेपुरी की ओर जाने वाली सड़क है। रात के 9 बजने को हैं। अब हम विलम्ब ना करते हुए कोरोना की अपडेट की ओर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आज कोरोना ने क्या गुल खिलाए हैं। आज जांच के लिए जो सैंपल लिए गए, वो 3,434 सैंपल लिए गए जांच के लिए, जिसमें से आज पॉजिटिव केस जो पाए गए वो 206 पॉजिटिव केस पाए गए। जी हाँ, 206। अब एक्टिव केस जो इस समय झांसी में हैं वो 1820 एक्टिव केस हैं इस समय। ये सुनसान गलियां, सड़कें गवाही दे रही हैं कि बिल्कुल सन्नाटे में है मामला। हर व्यक्ति अपने घर पर जाकर आराम फरमाना चाहता है। आज मेडिकल में 31 लोगों को भर्ती कराया गया और मलेटी हॉस्पिटल में 61 लोगों को भर्ती कराया गया। जिला जेल में आज 44 लोगों को भर्ती कराया गया। होम आइसोलेशन में 1368 मरीजों को भर्ती कराया गया। अदर स्टेट एवं जिला में 316 लोगों को भर्ती कराया गया। अब एक्टिव केस जो टोटल हैं इस समय झांसी में वो 1820 केस हैं। रिकवरी रेट 94.25% पर रहा झांसी का। छोटी छोटी दुकानें भी खुल गई हैं हर गली मोहल्ले में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब तक लगभग 167.88 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई हैं। पहली डोज से 18 से अधिक आयु वर्ग की 96% आबादी को कवर किया गया है। दूसरी डोज 76% पात्र आबादी को लगाई गई है। 15 से 18 आयु वर्ग की 65% आबादी को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, COVID-19 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज से कवर किया गया है। 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 96 से 99% पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज से कवर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड वैक्सीन की रिपोर्ट, दूर दूर तक एक आधी आदमी दिखाई दे रहा होगा और गाय माता हैं। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगानी है, बस चैन से बसर कीजिए। चमचमाती लाइटें, रात का नज़ारा, 9 बजने को हैं। एक केकेपुरी वाला पार्क है आवास विकास झांसी का, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दूधिया लाइटें, खजूर के पेड़, कितनी सुंदरता आप तक पहुंचा रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। रात में भी बच्चे खेलते हुए पार्क में, लोग बाग अपने घूमते हुए, ये भी कितना अच्छा खेल है। बचपन में हम आप भी खेलते होंगे, आंख बंद कर कर बच्चों को ढूंढते थे। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। एक केकेपुरी आवास विकास का पार्क है। हर जगह झांसी में काफ़ी सुंदर पार्क बने हैं टहलने के लिए, मशीनें भी लगी हैं कसरत करने के लिए। आज थोड़ी सर्दी कम है और कल से भी सर्दी कम है, इसलिए लोग बाग भरपूर
इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बराबर टहल रहे हैं। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से तो कभी अपनों से मिला कीजिए। चेहरे पर नूर दिल में स्नेह भरपूर रखते हैं, हम तो अपनी सादगी में भी एक अलग सा गुरूर रखते हैं। मार्केट संवाद चैनल अपील करेगा लोगों से कि बेवजह घर से ना निकलें और भीड़ भाड़ से बचें। अगर भीड़ में जाने का मौका मिले या जाना पड़े तो मास्क ज़रूर लगाकर जाइए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। झांसी में अपना डेरा डाले हुए है, कभी दोहरा शतक, कभी तेरह शतक, कभी दोहरे शतक से नीचे। हर व्यक्ति मशीनों पे अपने कसरत और फिटनेस करते हुए ये रात का नज़ारा है 9 बजे का, जैसा कि आप देख रहे हैं। झांसी में हर जगह मशीनें लगी हैं कसरत के लिए, ये काफ़ी अच्छे पल हैं। हम आप अपनी फिटनेस पर, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, इस उम्र में भी साथ साथ चलने का और फिटनेस का आनंद ही अलग है। ये मशीनें काफ़ी अच्छा हम आपकी स्वास्थ्य फिटनेस के लिए हर पूरी झांसी के पार्कों में लगाई गई हैं। इनका आप हम भरपूर आनंद लीजिए और इनका लाभ उठाइए। फुर्सत के क्षणों में थोड़ा घूम लीजिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, लेकिन घूमें और साथ साथ सर्दी से भी बचें, क्योंकि सर्दी में जब हम आप निकलें तो गर्म कपड़े पहनकर, पूरे कपड़े पहनकर निकलें, फिर घूमने के लिए निकलें, क्योंकि अभी सर्दी सुबह और रात की काफ़ी है। थोड़ी कसरत कर गर्माहट आती है शरीर में और ब्लड का सर्कुलेशन नसों में दौड़ने लगता है। सर्दियों में थक्का जमने का डर नहीं रहता। मार्केट संवाद चैनल आपको पल पल की अपडेट हर जगह की आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें मार्केट संवाद, चिड़िया बल्ला का आनंद लेते हुए। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।